KGF चैप्टर 2 ने वैसे ही धूम मचाई है जैसी KGF ने मचाई थी। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वो जान सके कि सदियों पुरानी उस सोने की खदान का असली मालिक आखिर कौन बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म के पात्रों की तरह या फिर कहानी की तरह वो सोने की खदान भी काल्पनिक है, तो जरा रुकिए, ये खदान असली है। जी हाँ दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि 121 सालों तक यहाँ से सोना निकला और निकलता ही रहा। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में है और बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर दूर KGF टाउनशिप है। यह जगह कई मायनों में खास है। 1871 में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्ज़गेरॉल्ड लेवली ने बैंगलोर में अपना घर बनवाया। वे अधिकांश समय किताबों और आर्टिकल के बीच गुजारते थे। उन्हें भारत के इतिहास में भी काफी रुचि थी। ऐसे ही एक दिन 1804 में छपे एशियाटिक जर्नल का एक लेख दिखा, जिसमें कहा गया था कि कोलार में इतना सोना है कि लोग हाथ से जमीन खोदकर ही उसे निकाल लेते हैं। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में यह जमीन मैसूर राज्य को दे दी गई, पर कोलार को शासकों ने अपने हिस्से में ही रखा। वो जानते थे कि वहां सोना है। असल में चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से खोदकर ही सोना निकालते थे। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने वहां सोने का पता देने वालों को इनाम तक देने की घोषणा कर रखी थी, जिसके बाद कोलार गांव में बैलगाड़ी में सवार होकर कुछ ग्रामीण वॉरेन के पास पहुंचे। जब उन्होंने वॉरेन के सामने अपनी बैलगाड़ी के पहिए को साफ किया, तो उसकी मिट्टी में से सोने के अंश निकले। लंबे पड़ताल के बाद समझ आया कि कोलार के लोग जिस तरीके से हाथ से खोद कर सोना निकालते हैं, उसे 56 किलो मिट्टी से गूंज भर सोना निकाला जा सकता था। इसके बाद 1804 से 1860 के बीच अंग्रेजों ने काफी कोशिश की कि जमीन से सोना निकाला जा सके। इस काम में ग्रामीणों को लगाया गया, कईयों की जान तक चली गई, पर कुछ खास हासिल नहीं हुआ। लेवली को ये जानकारी रोचक लगी और उसने एक बार फिर सोने की तलाश शुरू की। 1873 में लेवली ने मैसूर के राजा से कोलार में खुदाई की अनुमति ले ली और काम शुरू हुआ। लेवली को वहाँ 20 साल तक खुदाई की अनुमति मिली, जिसमें शुरू के 2 साल तो केवल मजदूर जमा करने में ही लग गए। 1875 में साइट पर काम शुरू हुआ और सोने की खेप निकली। सोना निकालने वाले मजदूर भी हैरान थे कि वो इतने सालों तक सोने के भंडार पर जी रहे थे और उन्हें खबर तक नहीं थी। KGF के खदानों में 24 घंटे काम चलता था। औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी खदानों में काम करते थे, वहीं रहते थे, वहीं सोते थे और खुदाई करके बस सोना निकालते थे। खदानों में अंधेरा दूर करने के लिए चिमनी का उपयोग होता था, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ से सोना निकालने के चक्कर में बिजली तक पहुँचा दी। जी हाँ, KGF भारत का पहला क्षेत्र है जहाँ बिजली आई थी। भोले भाले ग्रामीण बिजली का बल्ब देख कर सोच रहे थे कि सोने ने उनकी किस्मत चमका दी, लेकिन वो सोना केवल अंग्रेजों की जेब भर रहा था। कोलार गोल्ड फील्ड की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए वहां से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। जापान के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है, जो आज भी कर्नाटक के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में है। बिजली पहुंचने के बाद बहुत सारा काम मशीनों के जरिए भी शुरू हुआ, जिससे खदान के काम में तेजी आई। 1902 आते आते KGF भारत का 95% सोना निकालने लगा और 1905 आने तक सोने की खुदाई के मामले में भारत दुनिया में 6th स्थान पर पहुंच चुका था। अब यहां बस खंडर बचे हैं। KGF में 121 सालों तक सोने की खुदाई हुई और सरकारी हिसाब बताता है कि यहां से तकरीबन 900 टन सोना निकला। हो सकता है कि यह हमारी सोच से और भी ज्यादा हो, लेकिन 2016 में एक बार फिर KGF को जिंदा करने के लिए नीलामी की प्रक्रिया पर बात हुई। पर अभी बस बात हुई है, सरकार का मानना है कि यहां और भी सोना हो सकता है। KGF की कहानी में दोस्तों मजदूरों वाला फैक्टर बिल्कुल सटीक है। वो अंग्रेजों के गुलाम रहे और फिर आजाद भारत में बने खदान के ठेकेदारों के। वो सोना खोदते थे, पर उनका जीवन अंधेरों में ही गुजरा। कोलार के खंडर होती खदानों में बहुत से मजदूरों की लाशें दफन हैं, जो सोने की तलाश में गए तो सही, लेकिन कभी लौट ना सके। दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इस तरह की तमाम रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल इंडियंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैग करें, ताकि आप हर अपडेट पर बने रहें।